ठीक है सो एवरीवन, हम लोगों ने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में सिंटेक्स, उसी में हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं और उसी में हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे। बहुत इजी है, इजी वर्ड्स में है, मुझे कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सामने रीडिंग लगाऊंगी तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैं ओपन करती हूँ। यहाँ से इसका मतलब है इट्स शोइंग, ये क्लिकल क्लिकेबल शो कर रहा है। एच से हम हेडिंग लेवल पर आए, फिर हमने डाउन से जो हमें टॉपिक चाहिए था उस पर एंटर किया जो हमें पढ़ना था नया, फिर हमने के से लिंक लिंक करके नीचे गए जहाँ क्लिकेबल शो किया, कहीं डाउन एरो भी यूज़ किया हमने उसके साथ के साथ, और वहाँ पर ये क्लिकेबल यानी कि हमने नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। Sintex heading level 1. Upon down, 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 down
slash slash create variable var x let y. How to use variable slash slash या comments के लिए भी दिया होता है. आगे यहाँ comments का show. x is equal to 5 बताया था. अभी सुनते रहते हैं तो याद आ जाता है. फिक्स वैल्यू को लिटरल कहा जाता है और वेरिएबल वैल्यू को वेरिएबल ही कहा जाता है. ये टू टाइप्स के वैल्यू होते हैं जेएस के अंदर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल टू यूज डेटा स्टोरेज ये नया है. इसी में आगे सुनिए. Let's
क्या कहते हैं वेरिएबल जो है वार की लेट की और कॉन्स्ट की, ये वेरिएबल को डिसाइड करती हैं। अब जो आगे बात कर रहे हैं वो करें ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का, ऑपरेटर्स का, ठीक है। विच कंप्यूट्स द वैल्यू, यानी कि कॉम्बिनेशन इसका होता है ऑपरेटर का और वेरिएबल्स का और वैल्यूज का। इवैल्यूएशन कहलाता है। I'm a little
Let keyword is tells to browser to browser को value बताता है JavaScript, ठीक है, ये set करता है values को. कौन सा keyword let create करता है? Let. var keyword जिस तरह let करता है, इस तरह var keyword also tells tells to browser create the value, यानी browser को बताता है, एक value create करता है let की तरह var भी. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जेएस कमेंट्स. तो आज हमने जेएस सिंटैक्स रिवाइज की, कीवर्ड्स पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़ा, और हमने ये सब ऑपरेटर्स पढ़े. तो आई होप सो कि आप सबको समझ में बेहतरीन तरीके से आया होगा.